ये ठीक नहीं है। कुमार को अपने बारे में कुछ नहीं बताया मैंने अभी तक। मेरी शादी पहले एक हुई थी, ये बात उन्हें मालूम हो जानी चाहिए। संग मरमर की तस्वीर हो। उनकी जिंदगी जितनी दर्दनाक रही उससे भी बुरी थी उनकी मौत। वीना, ऐसे भी कोई मरता है? 34 साल की उम्र में वीमी कई दिनों तक अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती रही, और जब मौत हुई तो ना कोई शमशान घाट पहुंचने वाला था और ना कंधा देने वाला। आखिरकार वीमी की लाश को चाय वाले के ढेले में रखकर शमशान घाट पहुंचाया गया। पति की मदद से फिल्मों में आई थी वीमी। वीमी का जन्म आज़ादी की लड़ाई के माहौल में 1943 को जालंधर पंजाब में हुआ था। कम उम्र में ही वीमी की शादी उस जमाने में मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे शिव अग्रवाल से हो गई। वीमी के पेरेंट्स इनकी शादी के खिलाफ थे। इस शादी से वीमी को 2 बच्चे हुए। कलकत्ता में पति के साथ एक पार्टी में पहुंची वीमी की मुलाकात म्यूजिक डायरेक्टर रवि से हुई। रवि वीमी की खूबसूरती के कायल हो चुके थे। रवि ने वीमी से कहा, आप फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? जवाब मिला, मैं 2 बच्चों की माँ ठहरी, मुझे फिल्मों में काम कौन देगा। रवि ने वीमी और उनके पति शिव को मुंबई आने का न्योता दिया और वहाँ उनकी मुलाकात B.R. चोपड़ा से करवाई। यहीं B.R. चोपड़ा ने इन्हें पहली फिल्म हमराज का ऑफर दिया। ससुराल वाले नहीं चाहते थे कि वीमी फिल्मों में काम करे, लेकिन इन्हें पति का सपोर्ट मिला। शिव ने अपने माता पिता का साथ छोड़ा तो उन्हें जायदाद से बेदखल कर घर से निकाल दिया गया। अब घर चलाने के लिए पूरी जिम्मेदारी वीमी के कंधों पर आ चुकी थी। एक ज़माने में सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस मानी जाने वाली वीमी पहली ही फिल्म हमराज के बाद स्टार बन गई थी। इस फिल्म के बाद उनके घर के बाहर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की लाइनें लगा करती थीं। हमराज, वचन, आबरू, पतंगा जैसी बेहतरीन फिल्मों में नजर आई वीमी 60 के दशक में 3 लाख रुपये फीस लिया करती थी। वीमी को फिल्मी दुनिया में तो खूब शोहरत मिली, लेकिन उनकी निजी जिंदगी ऐसे बदतर हालात में गुजरी जिसकी कल्पना करना भी काफ़ी मुश्किल है। पति को छोड़कर जिसके साथ जिंदगी गुजारना चाहिए उसी शख्स ने उन्हें शराब की लत लगा दी और प्रोस्टिट्यूशन की तरफ धकेल दिया। करियर 10 साल में बर्बाद हो गया तो वीमी तंग हाली में अकेली जिंदगी काटने को मजबूर हो गई। जी जान से चाहने वाली एक बीवी की तरफ से प्यार खत्म। 1967 में रिलीज हुई फिल्म हमराज से वीमी ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। फिल्म में राजकुमार, सुनील दत्त और मुमताज लीड रोल में थे, लेकिन ज्यादातर लोगों की नजर वीमी की खूबसूरती पर थी। पहली फिल्म के बाद ही वीमी को साइन करने के लिए घर से बाहर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की लाइनें लगने लगी। वीमी को कई फिल्मों में ऑफर मिले थे, लेकिन B.R. चोपड़ा के कॉन्ट्रैक्ट्स के चलते वो फिल्में साइन नहीं कर पा रही थी। कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करने के लिए वीमी और शिव B.R. चोपड़ा को परेशान करने लगे थे। वीमी को उस समय B.R. चोपड़ा की फिल्म की शूटिंग करनी थी, लेकिन आखिरी समय पर उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो आउटडोर शूटिंग नहीं करेंगी। B.R. चोपड़ा तुरंत फ्लाइट से उनके घर पहुंच गए। दोनों में बहस हुई और आखिरकार B.R. चोपड़ा ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद कर दिया। वीमी कुल 10 फिल्मों में नजर आईं, जिनमें से ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप हो रही थीं। पहली फिल्म के बाद उन्हें कई ऑफर मिले थे, लेकिन चंद फ्लॉप फिल्मों के बाद ही प्रोड्यूसर्स ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। फिल्में मिलना बंद होने लगी और देखते ही देखते सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। फिल्मों से निराशा मिली तो वीमी ने कलकत्ता में वीमी टेक्सटाइल कंपनी खोली, लेकिन ये भी कर्जे में डूब गई।
वीमी उस समय जुहू के बंगले में रहा करती थी, लेकिन जब गरीबी आई तो वो सबर्ब जाकर आम जिंदगी जीने लगी। आर्थिक तंगी का दौर आया तो पति शिव शराब के आदि हो गए और वीमी से मारपीट करने लगे। शिव वीमी पर छोटे प्रोड्यूसर्स के साथ मामूली काम करने का दबाव बनाया करते थे। पति से रिश्ते खराब होते चले गए और इसी समय वीमी को फिल्म प्रोड्यूसर जोली से प्यार हो गया। वीमी पति को छोड़कर जोली के साथ रहने लगी। ये प्यार भी महज कुछ दिनों तक ही वीमी की जिंदगी में रहने वाला था। चंद दिनों के बाद जोली ने वीमी को शराब की लत लगवा दी। वीमी का करियर पूरी तरह बर्बाद हो गया। वीमी को फिल्मों में लाने का क्रेडिट म्यूजिक कंपोजर रवि को जाता है। इन्हीं कंपोजर से वीमी की कोर्ट के बाहर मुलाकात हुई थी। वीमी पति के तलाक के मुकदमे के चलते कोर्ट पहुंची थी। इसी समय वीमी पूरी तरह से नशे में डूबी हुई थी और उनके साथ प्रेमी जोली भी मौजूद था। जैसे ही वीमी ने रवि को देखा तो रोते हुए पति की शिकायत कर आप बीती सुनाने लगी। रवि ने दिलासा दी कि वे उनके पति शिव से बात करेंगे। रवि इस मुलाकात के बाद म्यूजिक कॉन्सर्ट के वर्ल्ड टूर पर निकल गए। जब वो वापस आए तो वीमी का निधन हो चुका था। खबरें ये भी रहीं कि जोली वीमी को काम दिलाने के नाम पर दूसरे प्रोड्यूसर्स के साथ सोने पर मजबूर करता था। प्यार की मोहताज हो चुकी वीमी उसकी सारी बातें मानने लगी और प्रोड्यूसर से मिलने जाने लगी। वीमी के करीबी दोस्त कृष्णा ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि वो प्रोड्यूसर से मिलने अलग अलग होटल जाने लगी थी और प्रोस्टिट्यूशन का हिस्सा बन गई थी। इन सब के बावजूद जोली वीमी को टॉर्चर करता रहा। वीमी ने जोली से सारे रिश्ते खत्म किए, लेकिन तब तक वो शराब की आदि हो चुकी थी और यही शराब की लत उनकी मौत का कारण बनी। करियर, बिजनेस सब बर्बाद हो चुका था। वीमी लाइमलाइट से दूर हो गई और अकेले जिंदगी बिताने लगी। महज 34 साल की उम्र में वीमी का लीवर पूरी तरह खराब हो चुका था। बीमारी का इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे। जैसे तैसे जोली ने ही इन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती करवाया, जहां 22 अगस्त 1977 को वीमी की मौत हो गई। अस्पताल में भर्ती वीमी की किसी भी परिवार वाले या दोस्त ने खबर नहीं ली। हालात इतने बदतर थे कि वीमी को अस्पताल से शमशान घाट पहुंचाने वाला या कंधा देने वाला भी कोई मौजूद नहीं था। आखिरकार जोली ने ही एक चाय वाले का ढेला कुछ समय के लिए मांगा और ढेले में रखकर उन्होंने वीमी की डेड बॉडी शमशान घाट पहुंचाई। मौत की खबर मिली तो सिर्फ 9 लोग अंतिम संस्कार में पहुंचे, जिनमें प्रोड्यूसर तेजनाथ जार, एसडी नारंग के भाई भी थे। वीमी के निधन के बाद बीआर चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि मौत से 5 दिन पहले वीमी उनसे माफ़ी मांगने पहुंची थी। वीमी काफ़ी नशे में थी और उनके शरीर से सस्ती शराब की बदबू आ रही थी। गौर किया तो देखा कि वीमी के हाथ और शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। उस समय वीमी काफ़ी परेशान लग रही थी। वीमी के करीबी दोस्त कृष्णा ने वीमी की मौत को उनके लिए पेन रिविलर बताया। उनका कहना था कि जिस दर्दनाक हालात में वीमी ने अपनी ज़िंदगी गुजारी उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर उनके लिए मौत थी।